कहानी का बेसिक प्रमेस देखें तो ड्रामा बहुत अच्छा था, लेकिन एक दो खामियों की वजह से ड्रामा जितना क्रिस्पी और अच्छा होना चाहिए था उसमें हमें थोड़ी सी कमी नजर आई। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नमक हराम का सीजन 2 देखने को मिलेगा या नहीं, और ये ड्रामा कैसा था, और मैं इस ड्रामे को कितनी रेटिंग दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की और मजीद वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो अभी हमें एक ड्रामा देखने को मिला जो खत्म हो चुका है, इसका नेम था नमक हराम। ड्रामे की स्टार कास्ट में हमें इमरान अशरफ, सारा खान और बाबर अली देखने को मिले। इस ड्रामे को सकलेन अब्बास ने लिखा था जो इससे पहले कई ड्रामा लिख चुके हैं, और इसे शकील खान ने डायरेक्ट किया। अब इमरान अशरफ के वालिद के साथ बाबर अली कुछ बुरा करते हैं, उसका बदला किस तरह उनके घर में रहकर उनके मुलाजम बन कर लेते हैं, तो वो ड्रामे का बेसिक प्रमेस था। कुछ एक्टर्स ने बहुत बुरी एक्टिंग की, फिर इमरान अशरफ जो फिजिकल एक्टिंग करते हैं और अपने हाथों को यूज कर हर डायलॉग बोलते हैं, तो वो उनकी वैसी ही एक्टिंग थी जो वो हर ड्रामे में करते हैं। बाबर अली ने भी अच्छी एक्टिंग की और सारा खान ने भी अच्छी एक्टिंग की, लेकिन ड्रामे की काफी चीजें रेपिटेटिव होने लगी। अब बात इतनी थी कि इमरान अशरफ को उनके घर में रहकर बाबर अली से बदला लेना है और उसे मारना है, लेकिन इसके लिए इसको तकरीबन 28 से 30 एपिसोड्स तक घसीटा गया, जिसकी वजह से ड्रामा बीच में काफी बोरिंग हो गया। तो अब बात करते हैं क्या इसका सीजन 2 आ सकता है। तो ड्रामे में काफी चीजें बची हैं कि इसका सीजन 2 बनाया जा सकता है, लेकिन मेकर्स पे है कि इसका सीजन 2 लेकर आते हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है कि इसका सीजन 2 जरूर आएगा। मैं इसकी टीआरपी और ड्रामे को देखते हुए 10 में से 7 स्टार्स दूंगा। आपने क्या ये ड्रामा पूरा देखा है? आपको सबसे ज्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? आप 10 में से इसे कितने स्टार्स देंगे? आप इसका सीजन 2 देखना चाहते हैं या नहीं? आपका नमक हराम को लेकर जो भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस तरह की और मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।